हैदराबाद में डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दी गई बच्ची जिंदा हो गई। निजी अस्पताल की बड़ी नाअहली सामने आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने सरकारी मुलाजिम की नौजायदा बच्ची को मुर्दा करार दे दिया था। वालिदैन की शिकायत पर दो लेडी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना हम्बल से। हम्बल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है, मामला क्या था? बिल्कुल, 3 रोज कबल ये अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के एक बड़े निजी हॉस्पिटल के अंदर जो है पेश आया है। डिलीवरी का केस था जो कि डॉक्टरों की गफलत के सबब जो है वो ये केस बिगाड़ दिया गया। बिगाड़ने के बाद जो है वो उसके वालिदैन को बच्ची को लपेट कर दे दिया गया कि इस बच्ची की डेथ हो गई। डेथ के बाद जब वालिदैन वहां से घर लेके पहुंचे तो बच्ची ने हरकत शुरू कर दी। हरकत के बाद वो हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल लेके पहुंचे जहां पे वो उनका सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का ये कहना था कि मामूली से चेस्ट इन्फेक्शन था जिसकी वजह से इसकी सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं। इसके साथ आपको भी बताया चलूं कि हैदराबाद का बड़ा निजी हॉस्पिटल है, डॉक्टर और इंतजामिया की लापरवाही की गफलत की सबब जो है इन पे हैदराबाद बल्दिया थाने की हदूद में जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के साथ साथ जो है वालिद सरकारी मुलाजिम था, वालिद ने यही कहा है कि मैं अपने बच्चों मेरी बच्ची के साथ जो किया गया है ये किसी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।